नमस्कार दोस्तों, देखो सीखो स्टडी में आप सभी लोगों का स्वागत है। दोस्तों आज हम देखेंगे यूपी ट्रिपल सी कनिष्ठ सहायक यानी कि जूनियर असिस्टेंट का दोस्तों पूरा पेपर सॉल्व। 19/2/2019 का पूरा पेपर सरल शब्दों में सॉल्व करने का प्रयास करूंगा दोस्तों। ये पेपर दोस्तों आपका 19/2/2019 में आपका पूछा गया है, ठीक है। तो दोस्तों जो भी लोग यूपी ट्रिपल सी का फॉर्म भरे हैं जूनियर असिस्टेंट का, उन लोगों के लिए बहुत ही लाभकारी होगा। साथ ही साथ कोई और भी आप एग्जाम देने वाले हैं जिसमें हिंदी, जीके या आपका रीजनिंग आता है, तो उन सभी लोगों के लिए इंपॉर्टेंट होगा। चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन। सबसे पहला नंबर, किस वाक्य में संबंध बोधक अव्यय का प्रयोग हुआ है। वाक्य आपके दिए हुए थे दोस्तों, ये चार वाक्य आपके थे, इनमें से बताना था कि किस वाक्य में संबंध बोधक अव्यय का प्रयोग हुआ है। तो दोस्तों जिन लोगों को समझ में आ रहा है कमेंट बॉक्स में बताते रहें। तो दोस्तों देखिए, इसमें जो अव्यय का प्रयोग हुआ है, संबंध बोधक अव्यय का, वो हुआ है ऑप्शन नंबर डी में दोस्तों, मैं काम के पीछे आया था। तो दोस्तों ये जो है, देखिए अगर आप और भी वाक्य पढ़ेंगे तो आपको खुद ही समझ में आ जाएगा, संबंध बोधक मतलब काम के पीछे आया था, ठीक है, काम के संबंध में, ठीक है। तो ऐसे आपको पता चल चुका है डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बात करें। माता पिता द्वारा पुत्र को लिखे गए पत्र में माता पिता द्वारा अभिवादन के लिए क्या लिखा जाना चाहिए। दोस्तों जिन लोगों को आ रहा है कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं क्या लिखेंगे। माता पिता जो है पुत्र को जब पत्र लिखेंगे तो क्या लिखेंगे, तो दोस्तों क्या लिखेंगे, शुभ आशीर्वाद ही लिखेंगे, यानी शुभ आशीर्वाद। राइट आंसर दोस्तों इसका ए हो जाएगा। ये तो बताने की जरूरत नहीं है, पुत्र को आशीर्वाद ही देंगे, ये प्रणाम ये सब जो है ये तो बच्चा ही लिखेगा, मतलब पुत्र ही लिखेगा। नेक्स्ट बात करें दोस्तों, शुद्ध वाक्य बताइए, शुद्ध वाक्य कौन सा है ये आपको बताना था। जिन लोगों को समझ में आ रहा है बता सकते हैं, ध्यान दीजिए, थोड़ा सा आप ध्यान देंगे आंसर बता देंगे। तो दोस्तों इसमें जो शुद्ध वाक्य है वो आपका सी वाला है, ठीक है। अरब के 10 यात्री भारत आए थे। अब देखिए यहाँ पर 10 अरब आए थे, मतलब कि ये तो संख्या में चला जा रहा है, तो राइट आंसर दोस्तों इसका सी हो जाएगा, शुद्ध वाक्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित शब्दों में से कौन सा शब्द पुल्लिंग है। इनमें से कौन सा शब्द दोस्तों पुल्लिंग है, बताइए जिन लोगों को याद है, जिन लोगों को समझ में आ रहा है। तो दोस्तों ध्यान दीजिए, पुल्लिंग स्त्रीलिंग जब जब भी आपको पहचानना होगा ना, तो जो भी चीज दिया रहेगा उसका आप सेंटेंस बना लीजिए। मान लीजिए देखिए, कोई घटना घटी, क्या आता है लास्ट में, घटी, इसका वाक्य बना लीजिए। तो ई आ रहा है मतलब ये स्त्रीलिंग है, ठीक है। तुम्हें लज्जा नहीं आती है, आती मतलब कि ये भी स्त्रीलिंग है। प्रार्थना की जाती है मतलब जाती है, यानी कि ये भी स्त्रीलिंग, यानी दोस्तों यहाँ पर पुलिंग जो है आपका संकल्प है, ठीक है। तो दोस्तों यहाँ पर संकल्प किया जाता है, ठीक है, तो आपका पुलिंग जो हो जाएगा वो हो जाएगा ए, संकल्प किया जाता है। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है 5 नंबर, रचना के आधार पर वाक्य कितने प्रकार के होते हैं। पूछा गया दोस्तों, रचना के आधार पर वाक्य जो है ये कितने प्रकार के होते हैं। तो दोस्तों रचना के आधार पर जो वाक्य होते हैं वो आपके होते हैं दोस्तों कितने प्रकार के होते हैं, 3 प्रकार के दोस्तों, ठीक है। सरल होता है, मिश्र होता है और संयुक्त होता है। लिख लीजिएगा कहीं पे, सरल, मिश्र और संयुक्त, ये 3 प्रकार के आपके वाक्य होते हैं। बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन बात करें, रूप के अनुसार क्रिया विशेषण कितने प्रकार के होते हैं। रूप के अनुसार बात करें तो क्रिया विशेषण कितने प्रकार के होते हैं। तो दोस्तों रूप के अनुसार जो है क्रिया विशेषण होते हैं 3 प्रकार के दोस्तों। राइट आंसर उसका हो जाएगा इसका 3, ठीक है। रूप के अनुसार जो होता है क्रिया विशेषण वो 3 भेद होते हैं दोस्तों, मूल क्रिया, यौगिक और आपका स्थानिक, 3 होते हैं, ठीक है। तो याद कर लीजिएगा, मूल, यौगिक और स्थानिक, लिख लीजिएगा, मैं इसमें लिख नहीं पाता हूं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन बात करें, अर्थ के अनुसार क्रिया विशेषण कितने प्रकार के होते हैं। यहां पर पूछा था कि रूप के अनुसार क्रिया विशेषण कितने प्रकार के होते हैं, यहां पर पूछा है अर्थ के अनुसार जो है क्रिया विशेषण कितने प्रकार के होते हैं। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा 4, ठीक है, 4 प्रकार के होते हैं अर्थ के अनुसार, ठीक है। स्थानवाचक, फिर उसके बाद होता है रीतिवाचक या कालवाचक, रीतिवाचक, फिर उसके बाद आपका हो जाएगा कालवाचक और आपका हो गया परिणामवाचक, ठीक है। काल, रीति, फिर उसके बाद स्थान और जो है आपका परिणाम, ऐसे आपका 4 जो है इसके भेद होते हैं या प्रकार होते हैं। डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन बात करें दोस्तों, अंश अंश दिया था, ये अंश अंश दिया है, शब्द युग्म है, इसका सही अर्थ आपको बताना था। ये अंश अंश जो दिया है इसका सही अर्थ क्या होगा। तो दोस्तों देखिए, इसका मतलब जो अंश है इसका मतलब हिस्सा होता है, तो यहां से भी आप ऑप्शन देखेंगे तो सबसे पहले क्या है, हिस्सा इसी में है, हिस्सा और कंधा। राइट आंसर दोस्तों इसका बी हो जाएगा, ठीक है। इसके मिस हिस्सा होता है, इसके मिस कंधा।
तो राइट आंसर इसका हो जाएगा बी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बात करें, 9 नंबर क्वेश्चन, इसका तो उत्तर सभी लोगों को दे देना चाहिए, बहुत ही आसान सा प्रश्न पूछा गया था। गोदान के लेखक कौन है? गोदान के लेखक मतलब किसके ये लेखक हैं? तो दोस्तों देखिए, गोदान के जो लेखक है मुंशी प्रेमचंद, यानी प्रेमचंद, ठीक है, ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बुंदेली का क्षेत्र है, ये बुंदेली भाषा का दोस्तों क्षेत्र कौन सा है? ऑप्शन आपके दिए हुए, बताइए जिन लोगों को याद है। तो देखिए ये क्वेश्चन पूछा गया था, बुंदेली का जो क्षेत्र है दोस्तों वह है आपका, वह है झांसी, जालौन और दतिया। राइट आंसर दोस्तों इसका हो जाएगा बी। ठीक है, बुंदेला राजपूतों के बारे में आपने सुना होगा, वही है, बुंदेलो हर बोलो के मुंह हमने सुनी कहानी थी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बात करें, निम्न में से कौन सा संकेतवाचक वाक्य है? इनमें से कौन सा संकेतवाचक वाक्य है दोस्तों? तो दोस्तों संकेतवाचक जो है, देखिए, यदि वर्षा अच्छी हुई तो फसल भी अच्छी होगी, संकेतवाचक है दोस्तों, ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन बात करें, हिंदी का प्रथम समाचार पत्र 1826 ईस्वी में कहां प्रकाशित हुआ था? तो दोस्तों देखिए, जब भी ये पहले की बात करेंगे, अंग्रेजों की बात करेगा ना, तो राइट आंसर दोस्तों अधिकतर जो हो जाता है वो हो जाता है कोलकाता। तो यहां पर भी जो आपका आंसर होने वाला है वो भी आपका कोलकाता ही आंसर है। ठीक है, यहां पर जो है 1826 में समाचार पत्र प्रकाशित कहां हुआ था? कोलकाता। सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन बात करें, 13 नंबर, आपका भविष्य उज्जवल हो, अर्थ की दृष्टि से वाक्य भेद बताइए। अर्थ की दृष्टि से इसमें दोस्तों कौन सा वाक्य भेद है? तो दोस्तों ध्यान दीजिए, ये जो है आपका क्या है, इच्छावाचक है। ठीक है, जो भी आशीर्वाद होगा या ऐसा कामना किया जाएगा या शुभकामनाएं देंगे या कुछ और चीजें कहेंगे, मेरी इच्छा है कि तुम कुछ और बन जाओ, एनटीपीसी पास कर लो, UP SSC पास कर लो, IAS बन जाओ, PCS, ये सब जब भी आएगा ना कि आपका भविष्य उज्जवल हो, तो ये सब राइट आंसर दोस्तों इसका इच्छावाचक में आएगा। ठीक है, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन बात करें, निम्न में से कौन सा वाक्य कृतवाच्य है? इनमें से कौन सा वाक्य दोस्तों जो कि कृतवाच्य है? तो दोस्तों देखिए, यहां पर जो राइट आंसर हो जाएगा, कृतवाच्य जो है ये आपका बी है, अध्यापक ने विद्यार्थियों को पाठ पढ़ाया। ठीक है, यहां पर देखेंगे अध्यापक ने विद्यार्थियों को पाठ पढ़वाया है। ठीक है, वो कर नहीं रहा है, ठीक है, पढ़वा रहा है, तो अध्यापक द्वारा विद्यार्थियों से पाठ पढ़ाया गया, तो ये आपका सही नहीं है, और यहाँ पर द्वारा लगा दिया, नहीं तो ये भी आपका सही लग रहा था, लेकिन यहाँ पर राइट आंसर दोस्तों इसका हो जाएगा बी, अध्यापक ने विद्यार्थियों को पाठ पढ़ाया, कृतवाच्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 15 नंबर, ल और स दोस्तों उच्चारण किस स्थान से होता है? ल और स का जब हम उच्चारण करते हैं दोस्तों, ये कौन से स्थान से उच्चारण होता है इसका? ये सबका जब भी उच्चारण होगा दोस्तों तो इसका क्या होगा? दंत। राइट आंसर दोस्तों इसका हो जाएगा बी। ठीक है, उच्चारण स्थान जो होता है मतलब कि कैसे आप करके होठ को या तलवे में क्या लगा के आप बोलते हैं, तो दांत के आसपास ये रहता है, जीभ जैसे चलेगा उसी के हिसाब से ये जो ध्वनि आप पढ़ेंगे तो वहां पे आपको ये मिल जाएगा। ठीक है, बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन बात करें, दिए गए विकल्पों में से रिक्त स्थान के लिए सही विकल्प आपको बताना है। आदि कवि मतलब आदि कवि जो है, मेन बात है, वाल्मीकि जी ने जो है संस्कृत, जो है संस्कृत में रामायण की रचना की थी, तो आपको ये बताना है कि वाल्मीकि सही कौन लिखा हुआ है, सब जो है वाल्मीकि वाल्मीकि लिखा ही हुआ है। ठीक है, तो आपको ये बताना है कि कौन सा यहाँ पर फिल होगा सही स्थान पे। तो दोस्तों ब्लैंक जो खाली स्थान है इसमें फिल होगा वाल्मीकि, जो राइट आंसर ए में लिखा हुआ है ये बिल्कुल सही है। आदि कवि जिनको भगवान वाल्मीकि जी बोलते हैं, भगवान वाल्मीकि जी ने यहाँ पर संस्कृत में रामायण की रचना की थी, ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन बात करें, स्वरों का उच्चारण, स्वरों का उच्चारण दोस्तों मतलब ये क्या हो, ऑप्शन में क्या दिया है, व्यंजनों की सहायता से होता है, अनुस्वार की सहायता से होता है, या जो है अनुनासिक जो है इसकी सहायता से होता है, या फिर आपका बिना किसी की सहायता से होता है, कौन सा इसमें सही है स्वरों को लेकर, स्वरों के उच्चारण को लेकर? तो दोस्तों इसका जो सही उत्तर हो जाएगा डी हो जाएगा। ठीक है, स्वर दोस्तों होते हैं ना ये जो है बिना किसी की सहायता से बोले जाते हैं, जबकि व्यंजन जो है स्वरों की सहायता से बोले जाते हैं, ये आपका अंतर में भी आता है, तो राइट आंसर दोस्तों इसका हो जाएगा डी। ठीक है, मैं इसलिए इससे रिलेटेड चीजें बता रहा हूं जिससे आपको याद हो जाएगा, उससे रिलेटेड अगर क्वेश्चन बनता है तो आप बता दें। नेक्स्ट क्वेश्चन बात करें, जिस भाषा का अनुवाद किया जाता है उसे क्या कहते हैं? 18 नंबर क्वेश्चन है, जिस भाषा का अनुवाद करते हैं उसको क्या कहते हैं? तो दोस्तों जिस भाषा का हम करेंगे तो वो क्या होता है, वो तो श्रोत रहेगा। राइट आंसर दोस्तों इसका हो जाएगा ए,
जिस भाषा का हम अनुवाद करेंगे वो श्रोत भाषा है, ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बात करें। नेक्स्ट क्वेश्चन में दोस्तों जो था ना, ये आपका दिया था ये पैराग्राफ, ठीक है, इस पैराग्राफ से क्वेश्चन पूछा गया था। ठीक है, तो पहले हम पैराग्राफ को देख लेते हैं। क्वेश्चन है, पैराग्राफ है, नम्रता ही स्वतंत्रता की माता है, लोग भ्रमवश अहंकार को इसकी माता समझ बैठते हैं, वह उसकी सौतेली माता है जो उसका सत्यानाश करती है, चाहे वह संबंध ठीक हो या न हो। पर इस बात को सब लोग मानते हैं कि आत्मसंस्कार के लिए थोड़ी बहुत मानसिक स्वतंत्रता आवश्यक है, चाहे वह स्वतंत्रता में अभिमान और नम्रता दोनों का मेल हो, और चाहे वह नम्रता ही से उत्पन्न हो। यह बात निश्चित है कि जो मनुष्य मर्यादा पूर्वक जीवन व्यतीत करना चाहता है उसके लिए वह गुण अनिवार्य है। तो दोस्तों ये आपका पैरा था, इसी से क्वेश्चन पूछा था। तो क्वेश्चन देख लेते हैं, 19 नंबर क्वेश्चन है, स्वतंत्रता की माता कौन है। तो यहां पर आप देख रहे हैं, यहां पर क्या बोला है, नम्रता ही स्वतंत्रता की माता है, यानी नम्रता जो है दोस्तों ये स्वतंत्रता की माता है। 20 का राइट आंसर हो जाएगा। 20 नंबर क्वेश्चन है, स्वतंत्रता की सौतेली माँ कौन है। तो यहां पर देखेंगे सौतेली माँ क्या था, यहां पर देखिए अहंकार को दोस्तों क्या समझ लेते हैं, इसकी माता, ठीक है, जबकि ये सौतेली माता है। तो अहंकार ये जो भी ऑप्शन में है, यानी कि ऑप्शन नंबर सी में, ठीक है। तो 21 नंबर क्वेश्चन था, आत्मसंस्कार के लिए आवश्यक है, क्या आत्मसंस्कार के लिए दोस्तों आवश्यक है। तो आत्मसंस्कार के दोस्तों स्वतंत्रता जो है आवश्यक होना चाहिए, तो यहां पर जो है मानसिक स्वतंत्रता होना चाहिए। हाँ ये रहा, मानसिक स्वतंत्रता आवश्यक है, ठीक है, उसी को अगर आगे देखेंगे तो आपको समझ में आएगा। तो मानसिक स्वतंत्रता इसका आंसर हो जाएगा ए। 22 नंबर जो क्वेश्चन है, प्रस्तुत गद्यांश का शीर्षक बताइए। तो दोस्तों जब आप पैरा पढ़ेंगे तो आपको ये समझ में आ जाएगा कि स्वतंत्रता और आत्मबल, नैतिक नैतिक बल और जो है अभिमान, इसमें आप एकदम कंफ्यूज हो जाएंगे। लेकिन जो बोर्ड के अनुसार आंसर बताया गया था वो आत्मबल बताया गया था। मुझे भी ये देखने के पढ़ने के बाद समझ में आ रहा था कि नैतिक बल या स्वतंत्रता होना चाहिए, लेकिन आत्मबल बोर्ड ने राइट आंसर बताया था, आत्मबल ही इसका शीर्षक सही होगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बात करें। नेक्स्ट क्वेश्चन था दोस्तों, दिए गए विकल्पों में से रिक्त स्थान के लिए उचित मुहावरों का प्रयोग कीजिए, मतलब ये जो खाली स्थान दिया है इसमें उचित चीज भरिए। पुलिस को देखकर चोर हो गए, क्या हो जाएंगे दोस्तों। तो ऑप्शन देख के ही पता चला है कि 9, 2, 11 भाग जाएंगे, ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन बात करेंगे, यहां पर निम्नलिखित शब्दों में से कौन शब्द सूर्य का पर्यायवाची नहीं है। सूर्य का पर्यायवाची नहीं है वो आपको बताना है। तो दिवाकर, दिनकर, भास्कर, ये सब आप पढ़े ही हैं। तो सुधाकर दोस्तों जो है ये चंद्रमा का होता है, ठीक है, लिख लीजिएगा, ये आ सकता है आपके एग्जाम में, चंद्रमा का होता है। तो ये नहीं है, यही पूछा था, तो सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट बात करें, यदि विकल्पों में से अमृत का विलोम शब्द बताइए, तो अमृत का विलोम क्या होगा, विष होगा, ये तो पता चल ही जा रहा देख के। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बात करें, रामचरितमानस की रचना किस कवि ने की थी। श्री रामचरितमानस की रचना किस कवि ने की थी, बहुत ही आसान सा क्वेश्चन है, जिन लोगों को आ रहा है बता सकते हैं। तो देखिए राइट आंसर इसका हो जाएगा तुलसीदास जी ने की थी। बहुत ही आसान आसान प्रश्न थे। माता पिता दोनों प्रसन्न थे, इस वाक्य में माता पिता के मध्य कौन सा विराम चिन्ह लगेगा। ये तो सभी लोगों को बता देना चाहिए, माता पिता के बीच में, सुख दुख के बीच में, ये सब चीज में क्या आता है। तो दोस्तों आपने देखा होगा संयोजक चिन्ह, यानी कि राइट आंसर दोस्तों इसका क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा आपका सी, संयोजक चिन्ह आता है, मतलब ये डैश रहता है माता पिता में, ठीक है, जो कि नहीं है यहां पर। तो सी इसका सही उत्तर हो जाएगा, संयोजक चिन्ह उसको बोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन बात करें, हिंदी को भारत की राजभाषा कब बनाया गया, मतलब इसका दर्जा कब इसको प्राप्त हुआ है। हिंदी को राजभाषा का जो बनाया गया वो कब बनाया गया, आप सभी लोगों को बताना है, बताइए जिन लोगों को याद है। तो दोस्तों बनाया गया 14 सितंबर 1949 में, यानी कि राइट आंसर दोस्तों इसका सी हो जाएगा, 1949, याद रखिएगा, 14 सितंबर 1949 में हिंदी को जो है राजभाषा बनाया गया। कई लोग अलग अलग भाषाओं के लिए मांग कर रहे थे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बात करें, निम्नलिखित शब्दों में से कौन सा शब्द समुद्र का पर्यायवाची है। इनमें से कौन सा शब्द दोस्तों जो कि समुद्र का पर्यायवाची है, जिन लोगों को आ रहा है बता सकते हैं। तो दोस्तों देखिए समुद्र का जो पर्यायवाची है वो है सी, नरपति जो है दोस्तों, सॉरी नहीं, यहाँ पर रत्नाकर होगा दोस्तों, नरपति नहीं होगा, रत्नाकर दोस्तों इसका जो है राइट आंसर हो जाएगा। समुद्र का जो पर्यायवाची है वो है आपका रत्नाकर। नेक्स्ट क्वेश्चन बात करें, संधि के कितने भेद होते हैं दोस्तों। तो संधि के कितने भेद होते हैं बताइए कमेंट बॉक्स में, कितने प्रकार की संधियां होती हैं। तो दोस्तों अगर बेसिकली बात करें तो संधि के जो भेद होते हैं वो तीन होते हैं, ठीक है, स्वर, व्यंजन और विसर्ग, ठीक है, स्वर, व्यंजन और विसर्ग, यही तीन आपके होते हैं। तो राइट आंसर इसका हो जाएगा सी। नेक्स्ट क्वेश्चन बात करें, प्रतिध्वनि में कौन सा उपसर्ग है,
उपसर्ग दोस्तों आगे लगता है, प्रत्यय पीछे लगता है, तो प्रतिध्वनि में प्रति जो है उपसर्ग आगे लगा हुआ है, ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन बात करें कार्य, कार्य जो है किस प्रकार का शब्द है, तो दोस्तों देखिए अगर कार्य को देखेंगे ना तो कार्य को ही कई लोग कार्य बोलते भी हैं, और ये दोस्तों है आपका अर्ध तत्सम, राइट आंसर दोस्तों इसका हो जाएगा बी। ठीक है, कई लोग कर्म को, कर्म को कहीं पे ही आप देखे होंगे कर्म भी लिखा रहता है, तो वो भी आपका जो है अर्ध तत्सम में ही आएगा, याद रखिएगा। ठीक है, ये क्वेश्चन पूछा गया था कार्य या कर्म ऐसे लिखा रहेगा, मतलब कर्म वो बता रहा है और कार्य मतलब कार्य बता रहा है। ठीक है, अर्ध तत्सम ये है। नेक्स्ट क्वेश्चन बात करें लड़का कौन सी संज्ञा है, लड़का दोस्तों कौन सी संज्ञा है, जिन लोगों को समझ में आ रहा है बता सकते हैं। तो दोस्तों ये है क्या, लड़का जो बता रहा है ये जातिवाचक है। ठीक है, जातिवाचक संज्ञा है, बी इसका सही उत्तर है, समूह की बात कर रहा है ना, एक लड़का कोई पर्टिकुलरली तो बात नहीं कर रहा है। ठीक है, तो राइट आंसर दोस्तों इसका हो जाएगा बी। प्रयोग के आधार पर शब्द कितने प्रकार के होते हैं, प्रयोग के आधार पर दोस्तों शब्द कितने प्रकार के होते हैं, तो दोस्तों देखिए प्रयोग के आधार पर जो शब्द होते हैं वो आपके होते हैं दो प्रकार के। ठीक है, दो प्रकार के होते हैं दोस्तों, अविकारी और आपके जो है अविकारी और विकारी। ठीक है, यानी कि दो इसका राइट आंसर हो जाएगा ए, लेकिन बोर्ड ने यहां पर 8 आंसर दिया है। दोस्तों देखिए इसका जो सही उत्तर हो जाएगा दो, विकारी और विकारी और एक अविकारी। ठीक है, दो प्रकार के होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है अधिसूचना प्रकाशित होती है, अधिसूचना प्रकाशित होती है कहां पर, यहां पर ऑप्शन आपके दिए हुए, जिन लोगों को आ रहा है बता सकते हैं। तो दोस्तों ये आपका है सरकारी गजट में, दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ए। ठीक है, रजिस्टर्ड अधिकारी बोलते ही हैं, ए इसका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित विकल्पों में से कौन सा सरल शब्द का विलोम नहीं है, सरल का विलोम इनमें से कौन सा नहीं है। दोस्तों अगर आप ध्यान देंगे तो आपको समझ में आएगा कि सरल का जो विलोम है वो निरर्थक नहीं है, ये तो सार्थक का है निरर्थक। ठीक है, ये सब कुटिल वक्र या कठिन, ये जो है सरल का विलोम है। नेक्स्ट क्वेश्चन बात करें रचना के आधार पर वाक्य कितने प्रकार के होते हैं, रचना के आधार पर दोस्तों वाक्य कितने प्रकार के होते हैं, तो दोस्तों मैंने आप सभी लोग बताया कितने प्रकार के होते हैं, तीन प्रकार के होते हैं, सरल, मिश्र और संयुक्त। ठीक है, यहां पर रचना के आधार पर पूछा ही है, तो तीन प्रकार के, यानी कि राइट आंसर बी हो जाएगा। संक्षेपण मूल पाठ से कितने शब्दों में लिखना चाहिए, संक्षेपण मतलब समरी लिखते होंगे या छोटा में जो चीजें छोटा करके जो लिखते हैं संक्षेपण, लास्ट में देखते हो किसी कहानी का संक्षेपण दिया है, तो ये कितने में लिखना चाहिए, जो मूल जो पाठ है उसके कितने में इसको लिख देना चाहिए। तो दोस्तों देखिए यहाँ पर एक तिहाई में लिखा होना चाहिए, जो है सही संक्षेपण की बात करेंगे तो एक तिहाई, मतलब मान लीजिए कोई जो है चार पेज में है ना कोई चीज, सॉरी यहाँ पर तीन पेज में है कोई चीज, तो उसको एक पेज में अगर आप लिख रहे हैं तो संक्षेपण है। ठीक है, उसको शॉर्ट फॉर्म में लिख रहे हैं। नेक्स्ट है क्वेश्चन, जो शब्द पूर्वापर संबंध से किसी भी संज्ञा के बदले आता है उसे क्या कहते हैं। दोस्तों तो देखते ही आप सभी लोग बता देना चाहिए संज्ञा के स्थान पर क्या चीज हम उसको भरते हैं, मैं, तुम, ये सब जो चीजें हम आप डालते हैं, तो ये सब किसके संज्ञा के स्थान पर ही डालते हैं, सर्वनाम होता है वो। राइट आंसर दोस्तों इसका हो जाएगा ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है श्रृंगार रस का स्थायी भाव क्या है, श्रृंगार रस का स्थायी भाव क्या है, बहुत ही आसान है, देखते ही आप सभी लोग बता देना चाहिए। बिल्कुल सही दोस्तों, यहाँ पर ए राइट आंसर हो जाएगा, रति जो है श्रृंगार रस का स्थायी भाव है। चलिए अब देखते हैं रीजनिंग के सेक्शन में क्या क्या पूछा गया था। तो रीजनिंग में दोस्तों देखिए ये सब चीजें लिखा हुआ है, तो यहाँ पर ध्यान मत दीजिए कथन क्या दिया है और निष्कर्ष क्या निकलता है यहाँ पर आ जाते हैं। तो कथन बोला गया दोस्तों सभी चिकित्सक रक्षक हैं। तो दोस्तों देखिए बहुत सारे लोग बोल रहे थे सर जो है सिलॉगिज्म का वीडियो बनाइए, दोस्तों मैं बनाता तो हूँ वीडियो, आप लोग देखते नहीं है, चलिए मैं फिर से प्रयास करूंगा सिलॉगिज्म या सिलॉग के लिए, या जिसको न्याय वाक्य बोलते हैं उसका मैं फिर से वीडियो सेट लेके आऊंगा। ठीक है, तो यहाँ पर दोस्तों कथन क्या है, सभी चिकित्सक जो है रक्षक हैं, तो मान लिया कि सभी ये चिकित्सक हैं, ये क्या है रक्षक हैं। अगले ने बोला सभी रक्षक महान है, तो सभी रक्षक क्या है महान है। तो दोस्तों यहाँ पर क्या निकल के आता है निष्कर्ष, एक कह रहा है कुछ रक्षक जो है चिकित्सक हैं, तो ये रक्षक वाला जो है ना ये आपका बीच वाला भाग है। ठीक है, तो ये कुछ चिकित्सक हैं, हाँ इसका कुछ भाग चिकित्सक घेरा हुआ है, यानी पहला सही हो जाएगा। दूसरा सभी चिकित्सक जो है महान है, चिकित्सक अंदर है बाहर महान है, तो सभी चिकित्सक तो छोटा ही है महान से, तो बिल्कुल सही है सभी चिकित्सक जो है ये महान है, यानी कि राइट आंसर दोस्तों इसका बी भी हो जाएगा, यानी कि ए और दो दोनों सही, यानी एक दो दोनों निष्कर्ष अनुसरण करता है, राइट आंसर दोस्तों इसका हो जाएगा सी। ठीक है, ऐसे ही किया जाता है।
नेक्स्ट क्वेश्चन 42 नंबर है, वह संख्या ज्ञात कीजिए जो अन्य तीनों से भिन्न हो, कौन सा इसमें भिन्न है। तो दोस्तों अगर आप इनको जोड़ेंगे डिजिटल मेथड से भी करेंगे या ऐसे भी आपको देख के लग रहा होगा, ये जो है यहाँ पर दो है, बाकी सब आपका जो है सम विषम से भी आप पकड़ सकते हैं, ये अलग है, यानी कि राइट आंसर दोस्तों इसका हो जाएगा डी। नेक्स्ट बात करेंगे दोस्तों, वह संख्या ज्ञात कीजिए जो अन्य तीनों से भिन्न हो। तो दोस्तों अगर आप ध्यान दें तो आपको समझ में आएगा, वेल मछली आप जानते हैं जो कि क्या है, जो है स्तनधारी है, ये अलग है, ए इसका सही उत्तर हो जाएगा, ठीक है, या वेल मछली भी है वो। नेक्स्ट बात करें दोस्तों, सर्दियों की सुबह में, ये क्वेश्चन पूछा गया था, इसको थोड़ा ध्यान दीजिए, यहाँ पर दिशा पूछ लिया था कि राधा का मुख किस दिशा में है। देखिए क्या क्वेश्चन था, सर्दियों की सुबह, यानी कि आप समझ रहे हैं कि सर्दी का ठंडा का हो रहा है, सुबह सर्दी का हो या गर्मी का, यहाँ पर मैंने आपको दिशा समझाया था कि सूर्य हमेशा जो है आपका पूर्व में ही उगेगा, ये सब भुलवाने के लिए बताता है, बरसात का दिन है, सर्दी का दिन है, ये सब पे ध्यान मत दीजिए। सूर्य आपका यहाँ पर कहाँ पर उगेगा, सुबह की बात किया है तो ये आपका पूर्व में ही उगेगा। राधा स्कूल जाने के लिए अपने घर से बाहर निकलती है, बाहर निकल गई राधा, फाटक खोलने पर फाटक की छाया, तो दोस्तों कहीं भी फाटक रहेगा, मान लीजिए यहाँ पर फाटक है, ठीक है, तो दोस्तों जब भी इसका किधर भी आपका फाटक रहेगा, सूर्य अगर इधर है सुबह में तो आपका फाटक का जो परछाई है, छाया जो है उसके दाईं ओर पड़ी, मतलब कि ये जो दिशा है पश्चिम, ये दायां होना चाहिए जो भी व्यक्ति है दोस्तों। तो दायां कब होगा, जब ऊपर से आदमी आएगा तभी तो इसका जो है उल्टा हो जाएगा, इधर आपका दायां हो जाएगा, इधर आपका बायां हो जाएगा, यानी कि यहाँ पर पूछा गया स्कूल जाने के लिए घर से निकलते समय राधा का मुंह किस दिशा में, तो ऊपर से यानी कि नीचे की ओर राधा का मुंह है, ठीक है, इसका राइट आंसर दोस्तों हो जाएगा दक्षिण की ओर इसका मुंह है राधा का। तो जिन लोगों को समझ में नहीं आया है, मैं कई ट्रिक दे चुका हूं दिशा वाला क्वेश्चन करने का, बहुत ही आसानी से आप कर लेंगे, ठीक है, बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बात करें, यहां पर दिया है ए माइनस बी का अर्थ जो है ए बी की पत्नी है, फिर इसका मतलब प्लस का अर्थ है आपका पुत्री है, भाग का अर्थ है आपका पुत्र है, और इसी तरह आपका पूछा गया कि ये आपका दिया है तो एस और यू का क्या संबंध है वो आपको बताना है। तो देखिए दोस्तों यहाँ पर कुछ नहीं करना है, जब भी आप क्वेश्चन करें पेपर में तो डायरेक्ट आप लिखिए माइनस का मतलब पत्नी, प्लस का मतलब पुत्री, और भाग का मतलब पुत्र। तो दोस्तों इसमें क्या ध्यान देने वाली बात है, ये सब चीज़ें आप लिख लिए, उसके बाद क्या करेंगे, आप देखेंगे वाक्य में क्या बोला है, मतलब क्या बोलता है, कभी कभी बोलेगा, यहाँ पर बोला गया है कि ए बी की पत्नी है, ए पत्नी है बी की, ठीक है, यहाँ पर ये बोला गया है, लेकिन कभी कभी क्या होता है, बोल देता है ए की बी पत्नी है इसी लाइन में, तो वैसे ही जैसा रहेगा वैसे आप करेंगे। तो आप जब आप यहाँ पर देख लिए कि मतलब कि जो पहला व्यक्ति है उसका रिलेशन बता रहा है, ठीक है, तो यहाँ पर आप क्या करेंगे, माइनस दिया है तो इसमें हमको जो बताने, इसमें माइनस तो है नहीं, यहाँ पर प्लस है। सबसे पहले देखेंगे इस साइड में क्या है, इस साइड में दोस्तों भाग है, तो भाग का अर्थ क्या बोला, पुत्र, तो दोस्तों पुत्र जो होगा ना वो ए यहाँ पर पत्नी हो रहा था ना, ए यहाँ पर पुत्री हो रहा था, ए यहाँ पर पुत्र हो रहा था, यानी कि यहाँ पर यू है दोस्तों, तो यहाँ पर टी जो है आपका क्या हो जाएगा, पुत्र हो जाएगा, भाग के यहाँ पर हमने देखा, ठीक है, यू का पुत्र आपका टी हो जाएगा। अब दोस्तों यहाँ पर प्लस है, प्लस का क्या बोला था, पुत्री, यानी टी का पुत्री एस हो जाएगी, ठीक है। अब यहाँ पर रिलेशन पूछा है कि एस का यू से क्या संबंध है, यानी एस जो है यू का क्या लगेगा, तो यू मान लीजिए कुछ है, ठीक है, मान लीजिए आदमी है, औरत है, कुछ भी है, इसका पुत्र है टी, ठीक है, अब इसकी पुत्री है एस, यानी कि इसकी क्या हो जाएगी, पोती हो जाएगी, ठीक है, वो अगर दादी होंगी तभी भी, दादा होंगे तभी भी, राइट आंसर दोस्तों इसका हो जाएगा डी, ठीक है, बहुत ही आसानी से आपने बता दिया। ऐसे ही क्वेश्चन है, एक कूट भाषा में बींग दिया है, इसको ये लिखा गया है, उसी कूट भाषा में हुमेन को क्या लिखेंगे। तो दोस्तों अगर आप ध्यान दें तो आपको समझ में आएगा बींग के लिए क्या क्या चीज़ें यूज हुई हैं। तो दोस्तों बींग में अगर हम देखें और इसमें रिलेशन निकालें तो क्या क्या हम इसमें ढूंढ सकते हैं, एन ढूंढ सकते हैं दोस्तों, तो एन है तो एन यहाँ पर क्या, एन के लिए क्या लिखा गया, फोर लिखा गया है, तो लास्ट में फोर आना चाहिए, यानी ये तो नहीं होगा, अब ये तीनों हो सकते हैं। अब देखें दोस्तों तो यहाँ पर बीइंग और इसमें क्या क्या और कॉमन है, तो और कुछ हमको कॉमन नहीं दिख रहा है, लेकिन क्या क्या और भी चीज़ें हम ढूंढ सकते हैं। तो देखिए दोस्तों अगर हम बीइंग लिखते हैं, बी अगर लिखते हैं, ये बीइंग बी से स्टार्ट करते हैं, तो अगर यहाँ पर ए आया है तो एक कम होगा, दो अगर बी के लिए है तो जो ए के लिए क्या होगा, एक होगा, यानी चार के बाद, चार से पहले एक आना चाहिए। एम यहाँ पर है, एन यहाँ पर, तो एन के लिए क्या यूज़ हुआ है दोस्तों, फोर यूज़ हुआ है, ठीक है, तो यहाँ पर भी आपका एम के लिए क्या यूज़ होगा, एक कम यानी कि तीन, ठीक है, ऐसे करके हम निकाल रहे हैं। ई है आपका दोस्तों, लेकिन यहाँ पर ई के लिए पाँच ही होना चाहिए, लेकिन दोस्तों यहाँ पर डी तो दिया नहीं, हम निकाल नहीं सकते, चलिए एक हम अंक छोड़ देते हैं।
एच है दोस्तों, एच के लिए जी एच आता है जी के बाद, यानी जी के लिए क्या यूज है, दो, यानी दो है यूज अगर जी के लिए, तो एच के लिए क्या आएगा, एक अधिक, यानी कि तीन, यानी दोस्तों तीन फिर समथिंग कुछ आएगा, फिर उसका तीन एक चार, तो देख दोस्तों आप पीछे से अगर आप देखें तो चार एक तीन किसमें है, चार एक तीन दोस्तों आपका ऑप्शन नंबर ए में है, तो राइट आंसर दोस्तों इसका हो जाएगा ए। ठीक है, एक स्थान हमको नहीं भी पता है फिर भी हम निकाल लिए, ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन बात करें, भाग का अर्थ आपका योग है, प्लस का अर्थ आपका घटाव है, घटाव का अर्थ दोस्तों आपका गुणा है, गुणा का अर्थ आपका भाग है, तो कैसे आप इसको करेंगे, तो दोस्तों जो भी चीज लिखा हुआ है उसका आप वहां पर लिख दीजिए। भाग का अर्थ क्या है, भाग का अर्थ है आपका योग, यानी ये योग है। ठीक है, अब दोस्तों यहां पर प्लस का अर्थ क्या है, घटाव, यहां पर ये माइनस है, ये प्लस है ये माइनस है। ठीक है, फिर उसके बाद यहां पर क्या बोला है, गुणा का अर्थ, सॉरी यहां पर घटाव का अर्थ जो है गुणा है, तो यहां पर गुणा है। ठीक है, और गुणा का अर्थ दोस्तों भाग है, यानी भाग है यहां पर। ठीक है, अब यहां पर दोस्तों अगर आप इसको सॉल्व करें तो 18 5 90, यानी इस 5 का भाग देंगे 9 90 में, कितना आएगा 18 आ जाएगा दोस्तों। फिर उसके बाद 18 में गुणा करेंगे 7 का, ठीक है, और यहां पर 3 और 4 दिया है तो माइनस का 4 है, और यहां पर प्लस का 3 है तो 1 माइनस का हो जाएगा, यानी इनको आप करेंगे तो 126 आपका आएगा, और माइनस 1 यानी कि 125 आपका राइट आंसर सी हो जाएगा। चलिए उसी तरीके से ये भी आपका दिया है, क्या क्या है यहां पर, बोल रहा है कि जो है भाग का अर्थ योग है, यानी भाग कहाँ पर है, हम इसको योग कर दिए, योग का अर्थ जो है दोस्तों प्लस का अर्थ जो है घटाव है, प्लस का अर्थ यहाँ पर हमने घटाव कर दिया, और घटाव का अर्थ दोस्तों यहाँ पर गुणा है, और गुणा का अर्थ दोस्तों आपका यहाँ पर भाग है। अब यहाँ पर 12 5 60 यानी 12 निकल गया, फिर उसका दोस्तों आपका बर्छंग 72, 6 से अगर गुणा करेंगे तो 72 आपका आ गया, और यहाँ पर दोस्तों प्लस का 2 है और माइनस का 8 है, यानी माइनस का 6 आपका होगा 72 में से, 72 में से 6 घटा देंगे दोस्तों आपका 66 राइट आंसर सी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बात करें, वह विकल्प चुनिए जो तीसरे पद से उसी प्रकार संबंधित, मतलब आपको बताना है वो जो एनालॉजी दिया रहता है, देश का प्रधानमंत्री दिया है तो राज्य का क्या होगा, देखते ही आप सभी लोग बता देना चाहिए, मुख्यमंत्री होगा, बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। दोस्तों मेरे से भी पहले आप आंसर देने का प्रयास कीजिए अगर आपको समझ में आ रहा है तो, ठीक है, मैं तो करूंगा ही। नेक्स्ट बात करें दोस्तों, निम्न श्रेणी में से आपको अगली जो संख्या है उसको चुनना है, तो दोस्तों ध्यान दीजिए यहां पर क्या चीज किया गया है, दोस्तों अगर हम यहां पर वो निकालते क्या डिफरेंस निकालते तो समझ में आएगा, देखते हैं। तो यहां पर दोस्तों अगर हम देखेंगे तो प्लस 6 हुआ है, अगला देखेंगे दोस्तों तो ये आपका 3 और एक प्लस 4 हुआ है, तो यहां पर प्लस दोस्तों आपका 2 हुआ है, ये तो बिल्कुल सही चला है, 6 4 2, तो यहां पर अब 0 प्लस होना चाहिए, यानी प्लस ही नहीं होना चाहिए, तो दोस्तों यहां पर कुछ ऐसा ऑप्शन में है नहीं, यानी कि ये जो है आपका सीरीज नहीं चलेगा। यहां पर दोस्तों और चीजें देखिए, तो यहां पर 31 दोस्तों किसी से कटता है नहीं, 37 भी नहीं कटता है, 41 भी नहीं कटता, 43 भी, यानी ये जो चल रहा है दोस्तों ये आपका क्या चल रहा है, ये चल रहा है दोस्तों आपका जो है जो कटती नहीं है संख्याएं, यानी कि जो विभाज्य संख्याएं नहीं है, अभाज्य संख्याएं, तो दोस्तों यहां पर जो राइट आंसर हो जाएगा वो आपका आ जाएगा 47। ठीक है, 47 किसी से नहीं कटेगा, बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बात करें, नेक्स्ट क्वेश्चन बात करें, यहां पर मनीष नितिन का भाई है, ये रिलेशन वाला है, शांता दया की माँ है और मनीष की मौसी या मामी है, मनीष का दया से क्या संबंध है। दोस्तों ध्यान दीजिए यहां पर क्या बोल रहे हैं, इसको मैं जो है डायग्राम यहां पर बना देता लेकिन घाउच पौच हो जाएगा, ध्यान दीजिए यहां पर क्या बोले, मनीष नितिन का भाई, यानी दोनों भाई भाई हैं। ठीक है, ठीक है, शांता जो है ये दया की माँ है, दया की माँ है, ठीक है, शांता, और मनीष, और मनीष की जो है मामी या मौसी है। ठीक है, तो मनीष का दया से क्या संबंध है, तो इसकी दया की माँ है और इसकी ये मौसी है, तो क्या होगा, ये दोनों भाई बहन हो जाएंगे, यानी कि पूछा मनीष का दया से क्या संबंध है, तो भाई होगा चचेरा वाला, यानी फुफेरा ममेरा मौसेरा, ये होगा, बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। यहां पर क्वेश्चन दिया था दोस्तों ये मिरर वाला, दर्पण वाला क्वेश्चन एक दो जरूर आ रहा है। ठीक है, तो यहां पर दोस्तों ये लिखा हुआ है, इसको दर्पण में क्या लिखेंगे, दोस्तों देखिए दर्पण वाला जब भी क्वेश्चन आए ना तो आप क्या किया कीजिए, पहले आप गड़ा गड़ा के लिखिए पेपर पे, और उसको जब पलट देंगे ऐसे तो आपका हो जाएगा दर्पण में, अगर ऊपर मान लिया आ जाता है कि पानी में या जल में प्रतिबिंब क्या होगा, तो इसको आप ऊपर कर देंगे, ठीक है, तो आपको समझ में आ जाएगा कि कौन सा इसका राइट आंसर आ जाएगा। इसका उत्तर सभी लोगों को कमेंट बॉक्स में देना है, ठीक है, आप सभी लोगों को बताना है, ये तो बहुत आसान है, देख करके बताइए आप सभी लोग। ठीक है, इसका उत्तर मैं नहीं बताऊंगा, ये तो सभी लोगों को आता ही होगा, देख लीजिएगा कौन सा इसका राइट आंसर होगा और कमेंट बॉक्स में बताइएगा, स्क्रीनशॉट ले लीजिए।
चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बात करें, यहाँ पर है नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, यहाँ पर एनालॉजी है, चिकित्सक है और यहाँ पर स्टेथोस्कोप है, मतलब ये आला जिसको बोलते हैं वो इससे संबंधित है, तो नाभिक किससे संबंधित होगा? तो ऑप्शन आप देखेंगे तो कंपास जो है रिलेशन आपका निकलेगा, कंपास से जो है पता लगाता है नाभिक की हम किधर जा रहे हैं, ठीक है, बाकी सब चीज़ें ए इसका सही उत्तर हो जाएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बात करें, निम्नलिखित श्रेणी में आने वाली अगली संख्या आपको बताना है, मतलब 4, 9, 25 और 49 दिया है, अगला कौन सा आएगा? तो दोस्तों जिन लोगों को समझ में आ रहा है बता सकते हैं। तो दोस्तों देखिए ध्यान दीजिए, यहाँ पर 4 जो है किसका स्क्वायर है, ये 2 का स्क्वायर है, ये 3 का स्क्वायर है, ये 5 का स्क्वायर है दोस्तों, यहाँ पर 7 का स्क्वायर है, तो अगला आपका 9 का स्क्वायर होना चाहिए, नहीं यहाँ पर 9 का स्क्वायर नहीं होना चाहिए क्योंकि ऑप्शन में भी आपका नहीं दिया है, तो किसका स्क्वायर होगा 9 के बाद? अब 11 का स्क्वायर होगा, यानी 121 इसका राइट आंसर हो जाएगा, सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था दोस्तों, दिए गए जो आपके वेन डायग्राम है इसके अनुसार आपको क्या बताना है? देखिए यहां पर आपको बताना है जो उन अभिनेताओं को बताना दोस्तों जो गायक हैं लेकिन इंजीनियर नहीं है, तो ध्यान दीजिए अभिनेता होने चाहिए, गायक होने चाहिए लेकिन इंजीनियर नहीं होना चाहिए, यानी कि बी यहां पर समझ में आ रहा है, दोनों में कॉमन है, बी इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बात करें, ऐसा ही प्रश्न पूछा गया था वेन आरेख से, वेन आरेख पे मैंने कई वीडियो बना रखे हैं, उसको देख लीजिएगा आपको समझ में आने लगेगा। यहां पर क्या बोला गया है, यहां पर है उसी तरीके का क्वेश्चन है, उन इलेक्ट्रिशियनों को बताना है, मतलब इलेक्ट्रिशियन होना चाहिए, ठीक है, निरूपित करता है जो ना प्लम्बर हो ना मोटर मैकेनिक, मतलब ये भी इसमें भी नहीं आना चाहिए, इसमें भी नहीं आना चाहिए, यानी कि डी सिर्फ अकेले है, ये दोनों में नहीं आ रहा है, इसका राइट आंसर डी हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था, एक कूट भाषा में ये आपका लिखा हुआ है, इसको ये लिखा जाता है, तो इसको क्या लिखेंगे दोस्तों? तो ध्यान दीजिए अगर आप यहां पर देखना चाहते हैं तो यहां पर क्या किया गया है, अगर आप देखेंगे एल सॉरी एक जो है दोस्तों, मतलब ए जो है कितने स्थान पे आता है, एक स्थान पे आता है, ये एल जो कितने स्थान पे, 12 स्थान पे आता है, एम 13 प्लस आपका आई जो है कितने स्थान पे, 9, 7, फिर उसके बाद एच कितने स्थान पे, ऐसे ही करके प्लस किया गया है, प्लस करने के बाद दोस्तों 95 है, तो इनको अगर प्लस करेंगे तो आपका दोस्तों 74 आएगा, ठीक है, इसके अनुसार दोस्तों आपका बी आंसर हो जाएगा, इन सभी को प्लस करेंगे, मतलब 13, 5 फिर एस का ऐसे सबका प्लस कर लीजिएगा, 19, 19 होगा, फिर इसका 9 आ जाएगा, 1 आ जाएगा, 8 ऐसे प्लस करेंगे आपका 74 आ जाएगा, ठीक है, सबको प्लस किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन बात करें दोस्तों, बेसिकली ये सब चीज पढ़ने की जरूरत नहीं है, यहाँ पर डायरेक्ट आप कथन निष्कर्ष पे आ जाया करिए, कार्रवाई क्या करेंगे, देखिए इसके अनुसार प्रति वर्ष बड़ी संख्या में लोग दूषित जल पीने से मर जाते हैं, तो आपकी कार्रवाई क्या होनी चाहिए? सरकार को तुरंत प्रभावितों को वित्तीय सहायता प्रदान करनी चाहिए, तो प्रदान करने से आपका हल हो जाएगा। यहाँ पर बोल रहा है लोगों को उपभोग के लिए शुद्ध जल उपयोग करने के लिए शिक्षित करना चाहिए, ये बिल्कुल सही चल रहा है, और यहाँ पर जो है लोगों को जल पीला बंद कर देना चाहिए, ये आपको लग रहा है, तो दोस्तों इसके अनुसार जो है आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, वो सिर्फ आपका दूसरा लग रहा है, और यहाँ पर वित्तीय सहायता प्रदान करने से भी नहीं होगा, वैसे लग रहा है ये, लेकिन नहीं होना चाहिए क्योंकि पैसे से तो नहीं होगा जब तक शिक्षित आप नहीं करेंगे लोगों को, ठीक है, दूसरा इसका राइट आंसर हो जाएगा, यानी कि दूसरा यानी कि ऑप्शन के हिसाब से केवल 2 अनुसरण यानी कि बी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों 60 नंबर, वही उसी प्रकार का है, कथन है आपका दिल्ली में प्रत्येक मानसून में बड़ी संख्या में लोग डेंगू से पीड़ित हो जाते हैं, तो कार्रवाई आप क्या करेंगे? कार्रवाई है शहर के नगर पालिका जो है प्राधिकरण को बरसात के मौसम में डेंगू के रोकथाम और नियंत्रण के लिए तुरंत कदम उठाने चाहिए, बिल्कुल सही लग रहा है। यहाँ पर बोल रहे हैं दिल्ली के लोगों को बरसात के मौसम में अन्य शहरों में चला जाना चाहिए, ऐसा कब होगा, ठीक है। यहाँ पर बोला है 3 नंबर बोल रहा है कि लोगों को मानसून के दौरान मच्छर भगाने वाले साधन का प्रयोग करना चाहिए, यानी कि ये दोनों आपका बिल्कुल सही लग रहा है, यानी 1 और 3 किस में सही है, 1 और 3 का अनुसरण कर रहा है ऑप्शन नंबर डी, ठीक है, डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, अब जीके का क्वेश्चन आ चुका है दोस्तों, जीके का क्वेश्चन आप देखिए क्या क्या क्वेश्चन पूछा गया, उसी के अनुसार से आप प्रैक्टिस भी कीजिए, और रीजनिंग के क्वेश्चन आप देखें, हिंदी के क्वेश्चन देखें, आप इसके अनुसार जो है एनालाइज कीजिए कि अगला जो पेपर बनेगा वो क्या क्या बनेगा, अगर आप देखेंगे तो समझ में आ जाएगा, ठीक है। तो 2017-18 का पूछा गया था, मैं स्वदेश दर्शन योजना के तहत कितनी परियोजनाओं को मंजूरी दी गई थी दोस्तों, कितनी परियोजनाओं को मंजूरी दी गई थी, बहुत ही हार्ड यहाँ पर क्वेश्चन पूछ लिया गया था। तो दोस्तों देखिए यहाँ पर परियोजनाओं को जो मंजूरी दी गई थी वो राइट आंसर इसका हो जाएगा डी, ठीक है, यानी कि 11 परियोजनाओं को 2017-18 में स्वदेश दर्शन योजना के तहत जो है परियोजनाओं को मंजूरी दी गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन बात करें, श्री रामायण एक्सप्रेस के भारत खंड
के लिए यात्रा की अवधि कितने दिनों की है। ठीक है, तो श्री रामायण जो है ये आपका एक्सप्रेस कितने दिनों के लिए चली थी दोस्तों, ये है आपका कितने अवधि मतलब दिनों के लिए, तो 16 दिनों के लिए दोस्तों यात्रा पर थी। ठीक है, सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन बात करें, आरबीआई की स्थापना जब हुई थी दोस्तों, इसका केंद्रीय कार्यालय में स्थित था। मैंने आपको बताया था कि जो भी पुराने चीजों की बात करेगा दोस्तों, इसका राइट आंसर हो जाएगा कोलकाता में स्थित था दोस्तों। इसको जो है स्थानांतरित करके आप मुख्यालय की बात करेगा जब भी, तो आप मुंबई लगाइएगा। ठीक है, करेंट में पूछे तो। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बात करें दोस्तों, कमेंट बॉक्स में आपको ये बताना है कि आरबीआई की स्थापना कब हुई थी। देखते हैं कौन कौन लोग सही जवाब दे पाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मूल लेखांकन समीकरण क्या है, मतलब इसका जो सूत्र है ये कौन सा सही है। तो दोस्तों इसमें जो सही है, संपत्ति बराबर देयता प्लस इक्विटी, राइट आंसर दोस्तों इसका हो जाएगा डी। ठीक है, मूल लेखांकन समीकरण जो है आपका संपत्ति बराबर देयता प्लस इक्विटी है। नेक्स्ट क्वेश्चन बात करें, सदाचार सिद्धांत के तहत निम्न में से कौन सा नकारात्मक व्यवहार प्रकाशित नहीं करता है। कौन सा है दोस्तों जो कि एक नकारात्मक जो है व्यवहार प्रकाशित नहीं करता है। तो आप देखेंगे सब चीजें जो है यहाँ पर गलत दिखाई दे रही है, मतलब आलस गलत है, हवस लोपलुप्तता जो है ये सब गलत है, ईमानदारी बिल्कुल सही है, ये जो है नकारात्मक प्रकाशित नहीं करता है, बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन बात करें दोस्तों, वर्ष 1951 का पूछ लिया है। सोचिए 1951 की जनगणना के अनुसार भारत का लिंग अनुपात प्रति 1000 पुरुषों के लिए महिलाओं की संख्या क्या था, जिन लोगों को आ रहा बता सकते हैं। तो दोस्तों देखिए 1951 की बात करेंगे तो 946 था दोस्तों। ठीक है, उसके बाद डायरेक्ट ये घटते ही गया है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन बात करें, श्री सैलम बांध किस नदी पर बनाया गया है। श्री सैलम बांध दोस्तों किस नदी पर बनाया गया है, तो दोस्तों ये जो बनाया गया है ये कृष्णा डैम, मतलब कृष्णा नदी पर बनाया दोस्तों ये बांध या डैम, श्री सैलम बांध, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन बात करें, किसी व्यक्ति को सुप्रीम कोर्ट के एक न्यायाधीश के रूप में नियुक्ति के लिए योग्य नहीं माना जाएगा जब तक वह कम से कम वर्ष के लिए उच्च न्यायालय का या दो से अधिक अदालतों का उत्तर प्रवर्तन में वकील न रहा हो। मतलब कितने साल तक ये वकील रहने चाहिए, मेन बात ये बात कर रहा है कि न्यायाधीश सुप्रीम कोर्ट का तब तक आप नियुक्त नहीं होंगे जब तक कि आप जो है कितने साल तक का वकील रहना चाहिए। तो दोस्तों यह होना चाहिए 10 साल। ठीक है, उच्च न्यायालय या उसके जो आपके अदालत हैं उसमें आपके 10 साल कम से कम आप वकील रहे हों। नेक्स्ट बात करें दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन सा प्रभावी निर्णय लेने में बाधा नहीं है। प्रभावी निर्णय जब आप लेंगे दोस्तों तो कौन सा है जो कि बाधा नहीं बनेगा। तो दोस्तों अगर आपका कोई निहित स्वार्थ नहीं है तो कोई आपको प्रभावी निर्णय लेने में रोक नहीं सकता, मतलब बाधा नहीं है ये। ठीक है, नेक्स्ट बात करें दोस्तों, 1 गीगा मतलब 1 GB में कितने MB होते हैं, मेगाबाइट होते हैं। जिन लोगों को याद है बता सकते हैं, ये तो बता ही देना चाहिए, मोबाइल चला रहे हैं आप सभी लोग। तो दोस्तों देखिए 1 GB में होते हैं 1024 मेगाबाइट। ठीक है, कहते तो एक ही हजार है लेकिन याद रखिएगा कंप्यूटर के लैंग्वेज में 1024 में चलता है। ठीक है, वर्ष 1947 में भारत में प्रति व्यक्ति वार्षिक आय कितनी थी। 1947 में बात करेंगे तो प्रति व्यक्ति वार्षिक आय था 249.60 रुपया। ठीक है, ए इसका सही उत्तर हो जाएगा, 249 लगभग आप याद करिए 250 रुपया है। ठीक है, मतलब थी 1947 में। ठीक है, अभी करेंट का भी याद कर लीजिएगा। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है दोस्तों, काशी विद्यापीठ वाराणसी की स्थापना किसने किया था। काशी विद्यापीठ की स्थापना दोस्तों ये जो है वाराणसी की किसने किया था, तो दोस्तों यहाँ पर गुप्ता जी ने किया है, शिव प्रसाद गुप्ता ने किया है काशी विद्यापीठ वाराणसी की स्थापना, याद रखिएगा। दोस्तों देखिए यहाँ पर एक भारत माता मंदिर की स्थापना भी हुई थी, बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था, कुशीनगर बौद्धों के लिए महत्वपूर्ण है क्योंकि गौतम बुद्ध जो सिद्धार्थ थे, भगवान गौतम बुद्ध के नाम से जो विख्यात हुए, ये क्या हुए थे, मतलब क्या क्यों जो है कुशीनगर प्रसिद्ध है। तो दोस्तों ये यहाँ पर जो है इनको निर्वाण प्राप्त हुआ था, मतलब मोक्ष की प्राप्ति हुई थी, यानी यहाँ पर ये मृत्यु इनको मिला था या निर्वाण या मर गए थे, अब ऐसे लिखा हुआ है तो क्या बोलेंगे, डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन बात करें, नवंबर 2018 में शहरी आधारभूत संरचना पर दक्षिण एशियाई क्षेत्रीय सम्मेलन शहर किस शहर में दोस्तों ये इसका आयोजन किया हुआ था या आयोजन किया गया था। तो दोस्तों देखिए ये जो आयोजन हुआ था ये आपका नई दिल्ली में इसका आयोजन हुआ था। ठीक है, नवंबर 2018 का करेंट यहां पर पूछ लिया गया है।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, नवंबर 2018 में विश्व सीमा शुल्क संगठन जो है WCO का क्षेत्रीय बैठक किस शहर में हुआ था? क्षेत्रीय जो बैठक हुआ दोस्तों ये किस शहर में हुआ था? दोस्तों WCO का जो क्षेत्रीय बैठक हुआ था ये करंट 2018 का है, जयपुर में हुआ था। बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन बात करें, निम्नलिखित में से कौन सा निर्णय लेने की प्रक्रिया के 7 चरणों का पहला चरण है? निर्णय लेने के दोस्तों जो है 7 चरण हैं, ठीक है, प्रक्रिया के। तो पहला चरण कौन सा है ये आपको बताना है। तो पहला जो चरण है दोस्तों ये है आपका पहचान करना, यानी कि निर्णय की पहचान करना। ए इसका सही उत्तर हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट बात करें, यदि आप अधिक रैम स्थापित करते हैं तो माइक्रोसॉफ्ट विंडोज आधारित कंप्यूटर पर क्या असर होगा? अगर ज़्यादा रैम रहेगा तो कोई भी चीज़, फ़ोन या आप कंप्यूटर की बात करेंगे, तो ये क्या होगा? तेज से काम करेगा, ठीक है, तेजी से काम करेगा। बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन बात करें, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपको दिखाई देते हैं। वर्ष 1951 का पूछ लिया गया, जनगणना के अनुसार जो है भारत की साक्षरता दर कितनी थी? भारत की साक्षरता दर कितनी थी दोस्तों वर्ष 1951 का पूछ लिया गया है? तो साक्षरता दर थी दोस्तों 18.33। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा उत्पादक है, इन ऑप्शंस में से किसका सबसे बड़ा उत्पादक है उत्तर प्रदेश? तो देखिए दोस्तों, बहुत सब चीजों में उत्तर प्रदेश आगे है, यहाँ पर देखिए इस ऑप्शन में से बात करेंगे तो राइट आंसर दोस्तों इसका ए हो जाएगा, आम का जो है सबसे बड़ा ये उत्पादक है, ठीक है, उत्तर प्रदेश। बाकी सब चीजें, गन्ना की बात कर लें, गेहूं की बात कर लें, आलू की बात करें, ये सब स्थान पे जो है उत्तर प्रदेश क्या है, सबसे आगे है। नेक्स्ट क्वेश्चन बात करें दोस्तों, भारत का सबसे बड़ा तांबा कच्ची धातु उत्पादक राज्य कौन सा है? तो दोस्तों देखिए इसका जो सही उत्तर हो जाएगा, तांबा कच्ची धातु का सबसे बड़ा जो राज्य है उत्पादक वह कौन सा है? मध्य प्रदेश है। डी इसका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों, ठीक है। देखिए दोस्तों, ये सब आपके क्वेश्चन पूछे गए थे आपके पेपर में, इसके अनुसार आपको आइडिया एक लग गया होगा कि क्या क्या आपका एग्जाम में आ रहा है, ठीक है। ये मैं डेट बता दूं तो ये आपका है 19/2/2019 का कनिष्ठ सहायक, यानी कि जूनियर असिस्टेंट UP++ जूनियर असिस्टेंट के पेपर में पूछा गया है। मैंने बहुत ही आसान आसान शब्दों में बहुत ही आसानी से आपको बताने का, हल कराने का प्रयास किया। आशा करते हैं दोस्तों कि हमारा प्रयास, हमारा वीडियो पसंद आया होगा। प्लीज़ हमारे मोटिवेशन के लिए वीडियो को अधिक से अधिक लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और अगर आपने देखो सीखो स्टडी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया दोस्तों, सब्सक्राइब करके बेल आइकन को हिट कर लीजिए, जिससे आने वाले सभी वीडियोज़ के अपडेट मिलते रहे। देखते रहिए देखो सीखो स्टडी। हमारा वीडियो देखने के लिए आप सभी लोग का फिर से बहुत बहुत धन्यवाद।